हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है अरे रॉयल्स पर। रॉयल एनफील्ड जैसी क्रूज बाइक अगर किसी के पास होती है तो कभी ना कभी तो उसका यह सपना होता है कि वो अपने आर्य को लेके लॉन्ग टूर के लिए चला जाए। लेकिन लॉन्ग टूर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिसकम्फर्ट को लेकर। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है तो डेस्टिनेशन से भी ज्यादा मजा आपको जर्नी में आता है और हर एक राइड हर एक टूर बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे बैकर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके वजह से आपकी जो जर्नी है वो एकदम कंफर्टेबल हो जाती है, भले ही आप सोलो राइडिंग कर रहे हो या फिर अपने पार्टनर के साथ पिलियन राइडर के साथ टूर पे जा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, उस बैकरेस्ट के बारे में बताता हूं और आपको साथ ही में ये भी दिखाता हूं कि आप उसे खुद ही किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। यह है वो बैकरेस्ट। इसकी थिकनेस 10 mm है और इसके वजह से यह काफी मजबूत है। इसमें अच्छी खासी कुशनिंग दी गई है जिसके वजह से लॉन्ग राइडिंग के दौरान पिलियन राइडर को बैक पेन ना हो। चलिए दोस्तों, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मेरा पुराना बैकरेस्ट है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसकी जो कुशनिंग है वो खराब हो चुकी है और साथ ही में ये काफी पुराना भी हो चुका है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये जो बैकरेस्ट है ये भी बहुत अच्छा है। इसकी जो लगेज कैरी करने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे सपोर्ट क्लिप के वजह से काफी ज्यादा है, नए वाले बैकरेस्ट से भी ज्यादा। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि लॉन्ग राइडिंग के लिए मेरे हिसाब से ये बैकरेस्ट सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइडिंग पर नहीं होते हो तो इसको लगाकर घूमना बाइक का पूरा लुक खराब कर देता है। इसे निकलने के लिए 4 बोल्ट होते हैं, 2 इस तरफ और 2 ऑपोजिट साइड पर। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने पिछले वाले 2 बोल्ट पर एक एक्स्ट्रा नट लगाया था, उसके वजह से यह काफी फिट हो गया और बाइक को आगे पीछे करने पर बिल्कुल भी लूज नहीं होता है। तो अगर आपको बैकरेस्ट बार बार लूज होने की दिक्कत आती है तो पिछले वाले बोल्ट्स पर एक एक्स्ट्रा नट बिल्कुल लगाइएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं और इसके लिए हमें 10 mm के स्पैनर की और रैचेट की जरूरत होगी, और वो इस वजह से जो मैंने पीछे एक्स्ट्रा नट लगाया था उसको पकड़कर रखने के लिए। उससे पहले ये जो सपोर्ट क्लिप है उसको निकाल देता हूं और उसके लिए मुझे 13 mm के सॉकेट की जरूरत पड़ी। तो चलिए इसके ऊपर के जो बोल्ट्स है उसको अभी हम निकाल देते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो डू इट योरसेल्फ वीडियोस है वो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। इस बैकरेस्ट की खास बात यह है कि इसके साथ लगेज कैरियर भी आता है जो रिमूवेबल है। अगर आप अकेले इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो इसको लगाने की एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको पहले इसके बोल्ट को लगाकर अटका के रखिएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और बाद में इसे कसना शुरू कीजिए। इस लगेज कैरियर को लगाने के लिए यहां पर होल्स दिए हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसे सिर्फ यहाँ पर बोल्ट्स को लगाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लगेज कैरियर रिमूवेबल होने की वजह से इसका ये फायदा है कि जब आप लॉन्ग टूर के लिए जाएंगे तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब भी आप सिटी राइड कर रहे हो तो आप इसको निकाल कर रख सकते हैं। इसकी कुशनिंग काफी सॉफ्ट है और आरामदायक है पिलियन राइडर के लिए। और इसकी लगेज कैरी करने की कैपेसिटी है वो है 20 किलो तक। और यहाँ पे जो हुक दिया है इसके मदद से आप अपने लगेज को बंजी कॉर्ड से बांध सकते हैं इसमें फंसाकर। तो चलिए दोस्तों इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग की गई है। मैंने इसका लगेज कैरियर निकाल के रखा है, मैं इसको तभी इंस्टॉल करूंगा जब लॉन्ग राइड के लिए जाऊंगा। ये बैकरेस्ट क्लासिक 350 के बॉडी के डिजाइन के साथ इस तरह से मर्ज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये उसी का ही पार्ट हो। ये बैकरेस्ट मोटरसाइकिल के लुक्स को और निखारता है और साथ ही में पिलियन राइडर की जर्नी को कंफर्टेबल बनाता है। इसका एंगल इस तरह सा है कि पिलियन राइडर को लॉन्ग राइड पे बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। देखा दोस्तों कितना सिंपल है इस बैकरेस्ट को अपने मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।